السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله اللمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد महतरम इस्लामी भाइयों बुज़ुर्गों नौजवानों अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातिन इस्लाम आज के हमारे इस दरस का मौजू है फ़तने दज्जाल। दो लफ्ज़ इसमें एक है फितना और दूसरे है दज्जाल। हमारी शरीयत ने हम सभी को ज़िंदगी गुजारने के हर एक तरीक़े बताए हैं हर एक चीज़ के ताल्लुक से रहनुमाई अता की इन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ ये है कि इंसान मुश्किल से परेशानियों से मसाइब से अपने आप को कैसे बचाए फितनों के दौर में उसका किरदार क्या होना चाहिए और फितना जब फितने आज़म हो यानी सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना हो तो ऐसी सूरत में शरीयत की क्या रहनुमाइयां हैं और इस हवाले से शरीयत ने हम सभी को किस तरह की बातें बयान की हैं ये इन शरस में हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले फितना की तारीफ़ जानते हैं। फितना किसको कहते हैं तो अगर आप कुरान और हदीस देखें तो फ़ितने का लफ्ज़ कई मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है ऐसे हम जब बोलते हैं फितना हो गया है तो इसका मतलब होता है फसाद बिगाड़ उर्दू में लेकिन अरबी में कुरान और हदीस अगर आप देखें तो कई मानी के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मिसाल के तौर तो पर इम्तिहान और आजमाइश के लिए अल्लाह के रास्ते से रोकने के माने में आग में जलाए जाने के माने में कहीं गुमराही का माना कहीं फसाद और बिगाड़ का माना कहीं कुफर और शर का माना अल्लाह रबीन ने इससे लिया है लेकिन जो फितने का कुरान में एक माने के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है आजमायश के माने और आजमाइश हम सभी जानते हैं कि खैर के जरिए भी हो सकती है और शर के जरिए भी हो सकती है अल्लाह ने सूरतुलंबिया में कहा वनबलूक बिशर वितना हम तुम्हें शर के जरिए भी आजमाएंगे और हम तुम्हें खैर के ज़रिए भी आजमाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए फितना सिर्फ़ बुरी चीज़ें हैं बल्कि इंसान के लिए खैर भी फितना है इसलिए अल्लाह ने क्या कहा इन नमाकुम व औलादुकुम फितना तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है यानी आजमाइश ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जब आपको दुनिया में मिलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अच्छाइयों की वजह से मिल रही हैं हो सकता है वो अल्लाह की तरफ से फितने के तौर पर आपके पास आई हो और अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो तो ये फितना जो है ये खैर के जरिए और शर के ज़रिए होता है जब आजमाइश के माने में हो लेकिन यही फितना अगर फसाद और बिगाड़ के माने में हो तो ये बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है और अल्लाह ने इसको कहा वल फितना तो अशद दुमन कत्ल फितना ये कत्ल से ज़्यादा बड़ा जुर्म है इसलिए कि कत्ल में क्या होता है इंसान एक को मारता है और फितने में क्या होता पूरा समाज उसकी लपेट में आ जाता आपकी वजह से अगर समाज में फितना फैल जाए या किसी अफवाह किसी गलत खबर की वजह से अगर समाज का माहौल बिगड़ जाए बिगाड़ पैदा हो जाए तो यह किसी को कत्ल करने से ज्यादा बड़ा गुनाह क्योंकि इसमें फिर कई लोग मारे जाते हैं घर को आग लगाया जाता है और जो है सामान को माल को और जो है जायदाद को तबाहों बर्बाद किया जाता है इसीलिए अल्लाह ने कहा वल फितना कहाित अशदिन कत्ल फितना कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म है अब जब बात आई फितनों की तो अल्लाह आलमीन और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरान और हदीस में इस बात की जानिब रहनुमाई की है कि दुनिया के अंदर बहुत तरह के फितने आएंगे बहुत तरह के फितने आएंगे यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने हदीस के अंदर बयान किया कि तुम्हारे दरमियान फितने ऐसे आएंगे कि जैसे आसमान से बारिश के कतरे गिरते और फितने इस कदर बढ़ जाएंगे कि उनमें पढ़ करके युसबरजमिन वयमसी का फिर सुबह का मोमिन शाम को काफिर हो जाएगा और शाम का काफिर सुबह को मोमिन हो जाएगा या शाम का मोमिन सुबह को काफिर हो जाएगा हालात इस कदर बदतरीन हो जाएंगे और बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे इन्हीं फितनों में से एक फितना जो सबसे बड़ा है इस उम्मत के लिए उसे फितने दज्जाल कहा जाता है दज्जाल का फितना जिसकी जानब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई की है सबसे बड़ा फितना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खरूज को क़यामत की दस बड़ी निशानियों में से एक निशानी करार दिया आप जानते हैं क़यामत की दस बड़ी निशानियाँ उनमें से एक निशानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल का निकलना दज्जाल का खरूज होगा दज्जाल बाहर निकलेगा और फिर क़यामत की एक बड़ी निशानी मुकम्मल होगी यानी गोया की क़यामत अब बिल्कुल करीब आ चुकी है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने एक के अंदर बयान किया या अला अर्दी, मुंदु दरा आदम, मिन कहा लोगो जब से अल्लाह ने आदम को उनकी जुर्रियत को पैदा किया है तब से इस दुनिया में इस जमीन पर दज्जाल से बड़ा कोई और फितना लोगों के दरमियान नहीं आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने को दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना करार दिया अब जब दज्जाल की बात आई दज्जाल का नाम आया तो हमें यह समझना चाहिए कि दज्जाल इस लफ्ज का माना क्या होता है इस लफ्ज का माना क्या होता है क्यों उसे दज्जाल कहा जाता है तो अरबी जबान में दज्जाल ये दजल से निकला हुआ एक लफ्ज है द ये फ़ाल के वजन पर एक लफ्ज है मुबालगा का सेगा है। और दजल का मतलब होता है फ्रेब करना मकारी करना करना कुछ दिखाना कुछ मक़रो फ़रेब को दजल कहा जाता है यानी इंसान जब झूठ बोलता है और किसी चीज़ को उसकी असल हकीकत और शकल से हटा करके कुछ और दुनिया वालों के सामने पेश करता है तो उसे दजल कहा जाता है उसे दजल कहा जाता है जाल साज धोखेबाज मुलम्मा साज यानी इंसान जो है शक्ल सूरत बदल करके या उसकी चीज़ों की हकीकत को बदल करके किसी और तरीके से उसको पेश करे तो ऐसे इंसान को अरबी में दज्जाल कहा जाता है ऐसे इंसान को अरबी में दज्जाल कहा जाता है, और इसको दज्जाल इसलिए कहा गया जिस फितने का हम तस्करा कर रहे हैं कि इस दज्जाल की सबसे बड़ी सिफत क्या होगी कि वो झूठ बोलेगा सबसे बड़ी सिफत क्या होगी झूठ बोलेगा लोगों को धोखा देगा उसके हर फेल, हर काम में धोखा और गलत बयानी शामिल होगी कोई भी चीज़ कोई भी हरकत कोई भी अमल कोई भी बात उसकी झूठ से मक्कारी से अयारी से खाली नहीं होगी इसीलिए उसे सिर्फ दाजिल नहीं कहा गया कि वो जो है झूठ बोलने वाला बल्कि दज्जाल कहा गया दज्जाल का मैंने कहा मुबालगे के लिए बोला जाता है जब किसी चीज को आप अरबी में बोले कि ये इंसान फला काम बहुत ज्यादा करता है तो उसे मुबालगा के सेगे पर उसके वजन पर लेकर के आते हैं इसीलिए जो बहुत बड़ा अरबी में जानकार हो उसको क्या कहते हैं अल्लामा कहते है। एक होता आलिम जानने वाला और जो बहुत ज्यादा जानता हो उसको अल्लामा कहा जाता है ऐसे ही अरबी में दाजिल का मतलब होता है झूठ बोलने वाला लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोले मुलम्मा साजी करे मकरो फरेब करे तो उसे दज्जाल कहा जाता है जैसे काजिब का मतलब झूठा और जब बहुत ज्यादा वो झूठ बोले तो क्या कहा जाता है उसको कज्जाब कहा जाता है कि बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला तो ये जो दज्जाल है ये हमेशा झूठ बोलेगा और झूठ से काम चलाएगा उसके हर अमल में झूठ शामिल होगा इसीलिए उसको दज्जाल कहा जाता है अब दज्जाल को एक और नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है कोई बताएंगे जी मसीह क्या कहा जाता है मसीह मसीह दज्जाल तो मसीह का माना क्या होता है सलाम को भी मसीह कहा जाता है मसीह ने मरियमत सलाम को भी मसीह का नाम दिया गया दज्जाल को भी मसीह कहा जाता है जबकि ईसा पैगंबर है और दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना है तो दोनों को एक ही तरह का नाम देना कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे कैसे आप इसको बोलेंगे तो अब हम मसीह का माना देखते हैं कि मसीह का माना क्या होता है अरबी जबान में मसीह जो है मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ मानी के लिए आता मसलन एक माना है पोछने वाला पोछने वाला इसी से मसह इसी से क्या है मसह हाथ फेरना पोछना हाथ फेरना हम मसा करते तो क्या करते हैं हाथ फेरते ना सर पर अपने इसीलिए उस इस अमल को क्या कहा जाता है मसा करना यानी फेर रहे है, हम अपना हाथ फेर रहे मोजे पर आप क्या करते मसा करते जब आपने मोजा पहना हुआ सॉक्स पहना हुआ है तो उस पर हाथ फेरते इस अमल को क्या कहा जाता है मसा कर रहे हैं तो हाथ फेरना पोछना ऐसे ही मसीह कहा जाता है ऐसे इंसान को जो किसी बीमारी के लिए दुआ करने वाला हो ऐसे ही मसीह कहा जाता है ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा सच बोलने वाला हो ऐसे ही मसीह कहा जाता है ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा सफर करने वाला हो और ये सारे मानी हजरत ईसा आसलम की जिंदगी में शामिल थे वो क्या करते थे बीमारी को हाथ फेर करके ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से वह उबरी उलकम इी कि ईसा सलाम अल्लाह के हुक्म और उसकी इजाजत से बरस की बीमारी को अंधेपन की बीमारी को ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से हाथ फेरते थे और ठीक हो जाता था बहुत ज्यादा सच बोलते थे बीमारी के लिए दुआ करते थे ऐसे ही बहुत ज्यादा उन्हों वो सफर भी करेंगे यहां से जाएंगे वहां जाएंगे वहां से जाएंगे यहाँ जाएंगे बहुत ज्यादा सफर करेंगे इसलिए उनको मसीह कहा जाता है रहा दज्जाल इसको मसीह क्यों कहा जाता है तो मसीह कहते हैं एक आंख से काना बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला फरेब और धोखा देने वाला ऐसे इंसान को भी अरबी में मसीह कहा जाता है अब यहां आप हैरान होंगे कि एक ही लफ्ज है उसके इतने सारे मानी कैसे हम फर्क करेंगे अरबी में बताऊं आन एक लफ्ज है कुरान में भी आप पढ़ते होंगे आयन से निकला हुआ आइन का मतलब होता है चश्मा आयन का मतलब होता है आंख आइन का मतलब होता है जासूस अरबी में एक है उसके सौ से ज्यादा मानी सौ से ज्यादा मानी अरबी जबान सिर्फ एक लफ्ज है आईन ऐसी मसीह है एक लफ्ज है लेकिन उसके बहुत सारे मानी हैं। तो वो माना कहां हम लगाएंगे कैसे लगाएंगे स्याको सबाक आगे पीछे की चीजें देख करके हम फैसला करेंगे कि इसके साथ कौन सा माना हमें लगाना है और इसके साथ हमें कौन सा माना करना है तो ये फर्क हो गया कि ईसा इस को मसीह क्यों कहा जाता है और दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है अगली बात हम करेंगे अब यह आपने जान लिया मसीह का माना भी दाल का माना भी तो अब दाल इसका उलिया क्या है शक्ल सूरत इसकी कैसी होगी तो क्यों जानना जरूरी है उलिया इसलिए कि जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसके फितने से बच नहीं पाएंगे उसके फितने से बचने के लिए उसका हुलिया, उसकी शक्ल सूरत उसकी बनावट उसके बारे में जानना ज़रूरी है सबसे पहली अलामत और निशानी दज्जाल की क्या है दज्जाल एक आँख का काना होगा दज्जाल एक आँख का काना होगा प्यारे नबी वसल्लम ने एक दिन सहाबा के सामने दज्जाल का तस्करा किया फ़ा और आपने फरमायाब आवर बेशक अल्लाह काना नहीं है और आपने फरमाया सुन लो ख़बरदार बहरहाल दोनों में से एक आंख का वो काना होना का उसकी आंख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर जैसे फूला हुआ अंगूर यानी आप अंगूर पानी में बिगा दे फूल करके बड़ा हो जाता है अपनी साइज से अपने हजम से ज्यादा बड़ा हो जाता है ऐसे ही उसकी आंख होगी आँख का काना होगा लेकिन उसकी वो आँख फूली हुई होगी उभरी हुई होगी ऐसा लगेगा कि जैसे अंगूर फूला हुआ दूसरी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि ने बयान की फरमाया दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान क्या लिखा होगा काफिर बास रिवायतों में आता है काफा लिखा होगा काफा को आप दो तरीके से पढ़ सकते एक तो काफिर भी पढ़ सकते हैं उसको कैसे काफ पर खड़ा सबर लगा देंगे और फारा तो काफिर हो जाएगा और आप काफिर को उसको काफ़ फारा को कुफ्र भी पढ़ सकते हैं इंसान है प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया व इन बैन मकतूब उन काफिर दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा इससे आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं तीसरी सिफत तीसरी निशानी घने और बिखरे बालों वाला होगा बहुत ज्यादा उसके बाल होंगे और घने बालो बालों वाला होगा ये सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है दज्जाल के बालों के बारे में हाफिजुखारी शरीफ अतुलबारी में लिखा है का रासहु कि उसके बाल इतने ज्यादा होंगे और इतने घने होंगे इतने घुंगरियाले होंगे घने होंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे किसी दरख्त की शाख होती है आपस में एक दूसरे में गुडमुड होते हैं पहचान नहीं पाते कि ये शाख किधर जा रही है ये शाख किधर जा रही है ऐसे ही दज्जाल के बाल भी होंगे दज्जाल की तीसरी अलामत क्या है दज्जाल का रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा जाल का रंग सुर्ख और जिस्म भारी होगा अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह फरमाते देखा सब तर कि वो उसके सर के बाल कंधों के दरमियान तक लटक रहे हैं बाल कंघी किए हुए हैं सर के बालों से पानी टपक रहा है। और अपने दोनों हाथ दो आदमियों के कंधे पर रखे हुए है मैंने पूछा ये कौन है तो बताने वालों ने बताया कि ये ईसा इब्न मरियम और फिर आप वसल्लम आगे कहते हैं मैंने उनके पीछे एक सुर्ख आदमी देखा सुरख कलर का यानी लाल कलर का लाल टाइप जैसे इंसान बहुत ज्यादा गोरा हो तो उसका कलर लाल दिखाई देता है सुर्ख दिखाई कहा मैंने उनके पीछे एक सुर्ख आदमी देखा उसके बाल उलझे हुए घुंघरियाले थे दाई आँख से काना था जिन लोगों को मैंने देखा है उनमें वो सबसे ज्यादा अब्दुल बिन कुतन के मुशाबे था मैंने पूछा ये कौन है तो बताने वालों ने बताया ये मसीह दज्जाल दज्जाल है तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि की सिफात क्या है और दज्जाल को आप सही से पहचान सकते हैं पांचवी सिफत अलामत यह है मुस्लिम के एक दूसरी रिवायत में है आपने फरमाया दज्जाल की एक आंख बैठी हुई होगी जैसे किसी चीज को मार करके पिचका दिया जाता है ऐसे उसकी आंख होगी और दूसरी आंख पर मोटा दाना होगा यानी फूली हुई होगी उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसको हर मोमिन पढ़ लेगा चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो ये ईमान का फायदा है ये ईमान का फायदा है कि इंसान के दिल में अगर ईमान है तो वो दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान लिखे हुए उस काफिर लफ्ज को पढ़ लेगा चाहे उसने दुनिया में पढ़ना लिखना सीखा हो या ना सीखा हो ईमान की बरकत से वो दज्जाल को पहचान लेगा खुलासा क्या है इन तमाम निशानियों का अलामतों का कि दज्जाल एक आंख का काना भारी जिस्म वाला छोटी हाइट का सुर्खी माइल घने घुंघरियाले और बहुत ज्यादा बालों वाला होगा नीज उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर और बाज रिवायतों के मुताबिक काफा लिखा होगा जिसे हर मोमिन बंदा पढ़ लेगा अभी आपने जान लिया अगला सवाल इसमें यह है कि दज्जाल है कौन दज्जाल है कौन तो इस हवाले से बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी बास लोगों ने तो आजकल टीवी को दज्जाल कह दिया इसको दज्जाल कह दिया उसको दज्जाल कह दिया जो लोग कयामत की निशानियों का या कयामत का इनकार करते हैं या अदीस का इनकार करते हैं मुनकरीन हदीस हैं वो किसी दज्जाल की चीज को किसी और चीज पर ला करके फिट कर देते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक सवाल मैं आपसे करूँ कुरान में दज्जाल का जिक्र है आप कुरान पढ़ते हैं कहीं दज्जाल का लफ्ज आता है कहीं नहीं आया क्यों दुनिया का सबसे बड़ा फितना और दज्जाल का लफ्ज ही नहीं है दज्जाल का तस्करा ही नहीं है कुरान क्या जवाब देंगे जी हदीस में है लेकिन कुरान में आग, कोई आप कोई आपसे सवाल करे कि दज्जाल का नाम कुरान में नहीं आया दज्जाल का जिक्र फिरौन का नाम आया हुआ याजूज माजूज का आया हुआ दजाल का नाम क्यों नहीं आया हुआ जवाब क्या है इसका जवाब यह है इब्ने कसीर रहीम अल्लाह ने लिखा है कि इससे कराहत की वजह से नापसंदीदगी की वजह से अल्लाह ने इसका नाम ही नहीं लिया ये इस लायक ही नहीं है कि इसका नाम कुरान में जिक्र किया जाए यह जवाब है लेकिन फिर आप अगला सवाल कायम करेंगे कि आजूज माजूज का नाम तो है फिरौन का नाम तो है फिर इसका भी जवाब उलमा ने दिया है चूंकि ये वाकयात हो चुके हैं याजूज माजूज का वाकया हो चुका था जुलकरनैन से मुलाकात हुई थी उन्होंने दीवार फिट कर दिया अब वो पीछे हैं तो ये वाकया याजूज माजूज का हो चुका है इसलिए अल्लाह ने सबक मैसेज के तौर पर कुरान में जिक्र कर दिया फिरौन का वाकया भी हो चुका है मुशा के साथ इसलिए अल्लाह ने जिक्र कर दिया लेकिन दज्जाल वाला वाकया अभी हुआ नहीं है ये फ्यूचर में होगा इसलिए अल्लाह ने जिक्र नहीं किया कुरान में उससे कराहत और नापसंदीदगी की वजह से लेकिन चूंकि अपने बंदों पर अल्लाह मेहरबान है रहमत लुटाता है और अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे फितनों से महफूज रहें, इसलिए अल्लाह ने अपने अंबिया के जरिए नबियों के जरिए अल्लाह ने इस सबसे बड़े फितने के बारे में इंसानों को आगाह कर दिया ठीक है जवाब मिल गया जी तो दज्जाल है कौन सबसे पहली बात ही याद रखिए कि दज्जाल इंसानों में से है दज्जाल इंसानों में से न जिन्न है न शैतान है जिन भी शैतानों में से है उलमा ने उसे शैतान कहा है और बाज ने यह कहा कि उसका बाप इंसान और माँ जिन्नतों में से है मगर ये बातें सही नहीं हैं क्यों इसलिए कि अदीस के अंदर जो दज्जाल का तस्करा है उसके अंदर यह लफ्ज है कि दज्जाल खाने पीने वगैरह का महताज है खाने पीने वगैरह का मोहताज है और इसी तरीके से आगे जो तस्करा आएगा बात आएगी कि दज्जाल को वैसे ही कत्ल किया जाएगा जैसे इंसानों को कत्ल किया जाता है और उसी तरीके से वो मरेगा जैसे कत्ल करने से इंसान मर जाता है तो ये इस बात की दलील है कि दज्जाल इंसानों में से जिन्नातों में से नहीं है और दज्जाल अगर जिन्नातों में से रहे वो आपको नजर जब चाहेगा इनविजिबल हो जाएगा जब चाहेगा विजिबल हो जाएगा जब चाहेगा सामने आ जाएगा जब चाहेगा चला जाएगा ये इस बात की दलील है कि वह इंसानों में से है जिन्नातों और शैतानों में से नहीं अब यहां एक सवाल आप और कर सकते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक बंदा था, था इब्ने सयाद बहुत से लोगों ने उसको दज्जाल कहा तो क्या इब्ने सयाद ही दज्जाल है बहुत से लोगों ने उसको दज्जाल लिखा है उसका नाम साफ या साफी और बाद लोगों ने उसका नाम अब्दुल्ला बिन सयाद वगैरह जिक्र किया कई एक नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस नाम का बंदा था लेकिन वो बच्चा था वो बच्चा था उसके अंदर कुछ दज्जाल की सिफात भी थी लेकिन मुकम्मल सिफात दज्जाल की नहीं थी इसीलिए हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह और अबू बकर अरबी वगैरह ने जिक्र किया सबसे पहले अबू बकर अरबी का तस्करा देखे फरमायाबीबन सबन इन सयाद इनका नबिल सबिया का सही बात यह है कि इब्ने सयाद ये वो बड़ा दज्जाल नहीं है जिसको सबसे बड़ा फितना कहा गया है क्योंकि ये मदीना में बच्चा था ये मदीना में बच्चा था हाफिज इब्ने हजर रहिमुल्लाह कहते हैं असहीह अन्न अन्न दज्जाल दज्जाल गैर इब्न इब्न सयाद सयाद व कान मिन सही यह है कि दज्जाल यानी दज्जाल अकबर सबसे बड़ा दज्जाल जो है जो सबसे बड़ा फितना है वो इब्ने सयाद नहीं हाँ इब्ने सयाद दज्जालों में से एक दज्जाल है यानी जो करता कुछ है दिखाता कुछ है होता कुछ है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस बात का भी तस्करा किया है कि कयामत से पहले बहुत सारे दज्जाल आएंगे सलासून नू कज़्ज़ाबून आपने फरमाया तीस बड़े बड़े दज्जाल और झूठे लोग दुनिया के अंदर आएंगे तो उन बड़े बड़े दज्जालों में से एक दज्जाल इबिन सयाद है लेकिन जिसको सबसे बड़ा फितना कहा गया है वो सबसे बड़ा फितना इबन सयाद नहीं है जैसा कि उलमा ने जिक्र किया है सही बुखारी वगैरह के अंदर ये रिवायत मिलती है जाबिर बिन अब्दुल्ला का कौल है कि इबन सयाद ही दज्जाल है लेकिन उलमा ने यह तदवीक की है कि इबन सयाद दज्जाल तो है लेकिन वो सबसे बड़ा दज्जाल नहीं है जिसको सबसे बड़ा फितना कहा गया है आगे बढ़ते हैं अब एक सवाल यह आता है कि दज्जाल निकलेगा तो कहां निकलेगा दज्जाल निकलेगा खुरूज करेगा तो कहां खुरूज करेगा अच्छा खुरूज का मतलब क्या होता है निकलना इससे क्या पता चला कि दज्जाल मौजूद है निकलने की देर है ईसा ईसालाम के बारे में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया क्या करेंगे वो नजूल क्या पता चला ईसा को अल्लाह ने आसमान पर उठा नजूल कहते उतरने को तो ईसा ईसाला उतरेंगे वो कि वो ऊपर हैं और याजूज माजूज के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया खुरूज वो दीवार के पीछे हैं दीवार तोड़ लेंगे तो निकल जाएंगे मेहदी के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जहूर जाहिर हो जाएंगे यानी लोगों के दरमियान ही रहेंगे लेकिन पता नहीं रहेगा अचानक से लोगों को मालूम होगा कि ये मेहदी, तो जाहिर हो जाएंगे तो हर एक के साथ हर एक निशानी के साथ अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किया इससे ही आप उस चीज की हकीकत को समझ सकते हैं दज़्ज़ाल जो है यह है।, है लेकिन वह निकला नहीं है जब निकलेगा तो कहा जाएगा कि दज्जाल का खुरूज हो गया इसीलिए हदीस में खुरूज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया लेकिन निकलेगा कहां से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने हदीस के अंदर बयान किया आपने फरमाया फ़ी बहर शाम ओ बिल यमन ला बल मिन मशरिक बल मिन खीब मशरिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया पहले कहा आपने कि दज्जाल जाल शाम में है शाम के अंदर जो समंदर है उसमें है फिर आपने कहा नहीं नहीं यमन में है यमन में जो समंदर है उसमें है फिर आपने कहा नहीं बल मिन बलमिन मशरिक बल्कि वो ईस्ट की साइड में ये आपने तीन मरतबा यह लफ्ज इस्तेमाल किया कि पूरब की तरफ से दज्जाल निकलेगा वउमा इलल मश्रकी और आप सल्लाह ने मशरक की तरफ इश्ट की तरफ इशारा किया एक दूसरी यदि से तिर्मिजी की आप सल्लाम ने फरमाया दाल बिल मशरक द जाल मशरक की तरफ से निकलेगा कौन से इलाके से युक खुरासान उसे क्या कहा जाता है खुरासान कहा जाता है खुरासान नाम के इलाके से एक और हदीस है जो मुसनद अहमद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यخرج الدجال من يهوديه اصبهان معه 70 الف من اليهود عليهم التجار आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों का इलाका है असभान उन्हें यहूदियों के दरमियान से दज्जाल निकलेगा दज्जाल का खुरूज होगा पता ये चला कि दज्जाल خراسان नाम का इलाका है वही एक जगह है असभान यहूदी वहां रहेंगे उन्हीं लोगों के दरमियान से दज्जाल का खुरूज होगा और दज्जाल भी क्या होगा क्या होगा यहूदी होगा अगली बात यह दज्जाल जाहिर हो जाएगा दज्जाल का खुरूज हो जाएगा तो अब जब दज्जाल निकलेगा तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा लेकिन कहां कहां वो नहीं जा पाएगा कहां कहां मक्का मदीना और, और भी कोई जगह और भी कोई जगह है मस्जिद अल्लाह फिक। और और कोई जगह है देखते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया का चालीस रातों में चक्कर लगा लेगा वो चालीस रातों में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा सिवाय मक्का और मदीना के फहुमा मुहर्रामा ये दोनों शहर उस पर हराम कर दिए गए हैं अन वाहिदतन के बारे में खुद नबी कहता है कि जब मैं दाखिल होना चाहूँगा तो इस तक जब मैं दाखिल होना चाहूँगा तो एक फरिश्ता मेरे सामने आ जाएगा जिसके हाथ में तलवार होगी ये सुधुनिया और वो मुझे वहाँ से दाखिल होने से रोकेगा वही नला मिनहा मिनह मलासून और मक्का और मदीना के हर गली हर नुक्कड़ हर चौराहे और हर इंट्री पॉइंट पर फरिश्ते होंगे जो इन दोनों शहरों की निगरानी कर रहे होंगे इन दोनों शहरों की निगरानी कर रहे होंगे और इससे पहले याजूज माजूज के तस्करे में हमें बात भी कर चुके हैं जो बहुत पहले हमने दर्ज दिया था कि याजूज माजूज भी जाहिर होगा दज्जाल भी जाहिर होगा लेकिन फिर भी खाने काबा का तवाफ़ नहीं रुकेगा तवाफ मुस्तकिल होता रहेगा इसीलिए दज्जाल वहां नहीं पहुंच सकेगा मुसनद अहमद की हदीस है उसके अंदर मजीद इजाफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यलबसु फीकुम फीहा इल्ला मसाजिद कि दज्जाल चालीस दिन रहेगा और दुनिया की हर जगह जाएगा सिवाय चार जगहों के सिवाय चार जगहों के दो आपने जाना मक्का मदीना तीसरी जगह है कि मस्जिद अक्सा बैतुलमकद का इलाका और चौथी जगह है मस्जिद तूर मस्जिद तूर जहाँ पर मूसा मूसलातूसलम को भेजा गया वीन वजून व थूरी बलदिल अमीन अल्लाह ने कसम खाई है इन तीनों जगहों की और उसके साथ साथ मदीना की भी फजीलत है तो इन चार जगहों पर दज्जाल नहीं जा पाएगा अब जब दज्जाल जाल खुरूज करेगा तो उसकी इतवा करने वाले कौन से लोग होंगे और कैसे लोग होंगे सबसे पहले कौन लोग इसकी इतबा करेंगे सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल किन लोगों के दरमियान से खरूज करेगा यहूदियों के दरमियान से तो जाहिर सी बात है सबसे पहले फॉलोअर्स उसके कौन होंगे यहूदी होंगे फरमाएल यहूदी अल्थन 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 आप वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल की इतबा करने वाले असबहान के यहूदियों में से सत्तर हजार यहूदी सबसे पहले उसको फॉलो करेंगे और इन सत्तर हजार लोगों पर तयालिसा होगी किसको कहते हैं ऐसी चादर धारदार चादर जो मोटी हो और जिस पर लाइनें वगैरह नक्शो निगार किया गया हो उसे खूबसूरत बनाया गया हो एक और हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल को फॉलो ऐसे लोग करेंगे काजूहान गोया कि उनके चेहरों को चिपटा कर दिया गया यानी चिपटे चेहरों वाले लोग दज्जाल की इतबा करेंगे दज्जाल को फॉलो करेंगे अब आप अंदाज़ा लगा लें कि खुरासान जहां से दज्जाल निकलेगा वहां आसपास कौन सा मुल्क है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से लोग मुराद हैं जिनके चेहरे चिपटे होते हैं और यह भी लिखा बाज़ लोगों ने नेदीस के अंदर यह बात मिलती है कि देहात के लोग दज्जाल की इतबा करेंगे क्यों फली अनजाह इसलिए कि वो उन पर जहालत गालिब होगी उनको दज्जाल की पहचान ही नहीं होगी वो दज्जाल के बारे में जानेंगे ही नहीं और एक चीज़ उनको सामने नजर आएगी उसकी इतबा कर लेंगे बाज लोगों ने यह भी लिखा है जैसा कि हदीस वगैरह के अंदर है कि औरतें उससे बहुत जल्दी मुतासिर होंगी क्यों इसलिए कि औरतों के यहाँ ये फितरत है औरतों के ताल्लुक से बात बयान की जाती है कि वो किसी भी ज़ाहरी चीज़ को देख करके बहुत जल्दी मुतासिर हो जाती हैं और उसको कबूल कर लिया करती हैं ये बाज़ लोगों ने जिक्र की है तो ये दज्जाल के फॉलोअर्स होंगे अब जो दज्जाल का फितना है इसको सबसे बड़ा फितना क्यों कहा गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की सिफात बयान की है कि दज्जाल आएगा तो इसका फितना किस कदर हैरत अंगेज़ होगा और किस कदर जो है लोगों पर असर अंदाज होगा आपने फरमाया हदीस के अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं कि दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम दोनों होगी दज्जाल के साथ जन्नत और जहन्नम दोनों होगी लेकिन उसके साथ जो जन्नत होगी वो क्या होगी जहन्नम और जो जहन्नम होगी वो जन्नत होगी अनहारुल मन्हा और दज्जाल के साथ क्या होगी पानी की नहरें होंगी व जिबाल रोटियों का पहाड़ होगा रोटियों का पहाड़ होगा वया अमर उमा तुम फिर आसमान को दज्जाल यह हुक्म देगा कि वो बारिश बरसाए तो आसमान उसके हुक्म को पूरा करेगा बारिश नाजिल होगी इतना ज्यादा पावर अल्लाह आलमीन उसको अच्छा करेगा इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सबसे बड़ा फितना करार दिया और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि दुनिया में जितने भी पैगंबर आए तमाम पैगंबरों ने अपने मानने वालों को दज्जाल के फितने से आगाह किया और कहा कि मैं तुम्हें भी आगाह कर रहा हूँ कि दज्जाल के फितने से अपने आप को बचा करके रखना वल वलअर्द अंतुम्बित और ज़मीन को दज्जाल हुक्म देगा कि वो अपने अंदर से गल्ले अनाज फल वग़ैरह पैदा करे फतुमबिद ज़मीन उसके ऑर्डर को फ़ॉलो करेगी पूरा करेगी और ज़मीन अपने अंदर से गल्ले अनाज पैदा करेगी वत बनूजलअर्द और दज्जाल को फ़ॉलो करेंगे ज़मीन के ख़जाने ज़मीन के जितने ख़जाने होंगे सब दज्जाल के साथ होंगे वयत उलर्दरातिन अदीमा और पूरी दुनिया का दज्जाल बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चक्कर लगा लेगा कि जैसे हवा आती है यहाँ से वहाँ लम्हों में सेकंडों में मिनटों में पहुँचती है ऐसे ही दज्जाल भी पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया लाना आलम उ बिमा दज्जाल मिनहू आपने फरमाया मैं जानता हूँ कि दज्जाल के साथ कौन सी चीज़ें होंगी माहु नहरान आपने फरमाया उसके साथ दो नहरें होंगी उसके साथ दो नहरें होंगी और दोनों से पानी बह रहा होगा एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल दुनिया में कितने दिन रहेगा चालीस दिन लेकिन साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिल अर्द दज्जाल आएगा सबसे बड़ा फितना इस फितने का सामना कितने दिनों तक इंसानों को करना पड़ेगा आपने फरमाया अर चालीस दिन लेकिन आगे तफसील आपने बयान की चालीस दिन कह देते बात खत्म थी लेकिन आपने तफसील बयान की फरमाया यौमुन का सना पहला दिन एक साल के बराबर पहला दिन एक साल के बराबर दूसरा दिन एक महीने के बराबर वन का और तीसरा दिन जुमा यानी हफ्ते के बराबर पूरे सात दिन का वसाया का अम और बकिया सैंतीस दिन तुम्हारे दिनों की तरह चौबीस घंटे की तरह होंगे इस तरीके से कितने दिन हो जाते हैं कितने दिन हो जाते हैं हिसाब लगाएं। एक साल दो महीने एक साल दो महीने चौदह दिन एक साल दो महीने थर्टी सेवन डेज बाकी के सैतीस हो गए एक हफ्ते को आप काउंट करें कितना हो गया फोर्टी फोर हो गया और एक महीना दूसरा वाला दिन और एक साल तो इस तरीके से एक साल एक महीना चौवालिस दिन अब चौवालिस दिन में से तीस दिन महीने का निकाल लें तो दो महीने हो जाते हैं और तीस माइनस कर दें चौदह बजते एक साल दो महीने चौदह दिन दज्जाल इस दुनिया के अंदर रहेगा फालू साहबा ने पूछा वमा इसरा फिलदी उसकी रफ्तार कैसी होगी यानी इतने अगर एक साल दो महीने चौदह दिन की भी मोहलत दी जाए इंसान को फिर भी पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगा सकता घूम नहीं सकता बल्कि मुश्किल से अपना इंडिया ये मुल्क पैदल चल करके घूमना हो मुश्किल से पूरा करेगा साहबा ने पूछा उसकी रफ्तार क्या होगी कि इतने दिनों में पूरी दुनिया का चक्कर आपने फरमाया कल गईस, कल कलगइस बारिश की तरह इस तद हो री हो कि बारिश अभी यहां हो रही है तेज हवा आती है बारिश को बादलों को उठा करके दूसरे इलाके में ले जाती है लम्हों में यहाँ बारिश हो रही होती है घाट को ऊपर पहुँच गए वहाँ बारिश होती है और आगे पहुँच गए वहाँ बारिश होती है और आगे प... ऐसे ही रफ्तार जैसे इसकी होती है बारिश की होती है हवा की वजह से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे ही दज्जाल भी कभी यहाँ होगा कभी वहाँ होगा फ़ैयाति <sans> अल्ख़ौमी कुछ लोगों के पास आएगा फ़ैद उनको दावत देगा अपनी तरफ बुलाएगा कहेगा मैं अल्लाह हूँ मैं तुम्हारा मबूूद हूँ फ़य मीनून अभी ही इस पर ईमान ले आएंगे उस पर ईमान ले आएंगे अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए उसकी दावत को कबूल करेंगे फया आसमान को हुक्म देगा कि बारिश नाजिल करो आसमान पानी नाजिल करेगा वल वी तू जमीन को हुक्म देगा जमीन अपने, अपने अंदर से गल्ले अनाज पैदा करेगी फतरुमानुर और उसके बाद आप सल्लाम ने आगे कहा फिर और कुछ लोगों के पास आएगा फया उन लोगों को भी दावत देगा फ़यरुद्दून उद्दून कऊल तो उसकी बात को वो लोग वापस कर देंगे कहेंगे हम तुम्हारी बात को कबूल नहीं करते हैं फ़ैन शरीफ दाल उन लोगों से वापस चला जाएगा फ़यस बना मुमहलीई सभी ए दी हिम और जब सुबह होगी तो इन लोगों के पास जिन्होंने दज्जाल की दावत को रिजेक्ट कर दिया होगा उनके पास कुछ नहीं बचेगा फ़कीर हो जाएंगे कंगाल हो जाएंगे आज बहुत कुछ था लेकिन दावत का इनकार किया सुबह होते होते इनके पास कुछ नहीं बचेगा वो पावर होगा दज्जाल के पास सब कुछ छीन लेगा इनसे वो या बिल खरीबा और दज्जाल एक ऐसे इलाके के पास से गुजरेगा जो वीरान होगा जहां कोई आबादी का नामो निशान नहीं होगा बिल्कुल आबादी के नामो निशानात मिट चुके होंगे फैकुल आखरी जी कनूजक वहां की जमीन को हुक्म देगा कि अपने अंदर के खजाने मेरे लिए निकालो फत हुनूज हुआ जमीन से खजाने निकलेंगे आप तस्वूर करें हुक्म दिया जा रहा है जैसे ड्रामों में आप देखते हैं ना जिन्ना चाहता है ये करता है वो करता है ऐसे ही आप तस्वूर करें ये वो तो ख्याली चीजें होती है बनाई गई चीजें होती आप दज्जाल का तस्करा सुन रहे हैं वो फितना जो सबसे बड़ा फितना है जिसे सुन करके जिसके बारे में जान करके साहबा के रोंगटे खड़े हो जाते आंखों से आंसू बहते थे आज हमारे यहाँ तस्करा ही नहीं होता दज्जाल हमारे यहाँ दज्जाल का तस्करा तक नहीं होता कितने अफसोस की बात की जिसको सबसे बड़ा फितना कहा गया बास मुताहरात के ताल्लुक से आता है कि दज्जाल का तस्करा आता था तो काँप उठती थी रोने लग जाती थी हमारी क्या कैफियत होती है जमीन को हुक्म देगा कि खजाने निकालो आज हम मशीन ले आए जिसी भी ले आए और मुख्तलिफ तरीके आजमा लें खजाने नहीं निकलेंगे लेकिन जमीन को वो हुक्म देगा जमीन अपने अंदर से खजाने निकालेगीदुल जसलत रमयर्दी फिर आप वसल्लम ने फरमाया एक आदमी को बुलाएगा बिल्कुल नौजवान होगा वो फिर उसको तलवार से कत्ल कर देगा वो मर जाएगा फिर हुक्म देगा वो दोबारा जिंदा हो जाएगा वो दोबारा जिंदा हो जाएगा और ऐसे बन जाएगा जैसे उसके साथ कुछ नहीं हुआ एक हदीस के अंदर प्यारे ने भी सल्ला हल फरमायाद न फिलद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके समझाया एक चीज़ के ताल्लुक से कि अगर मैं इस चीज़ को कत्ल कर दूँ फिर ज़िंदा कर दूँ क्या तुम कुछ शक करोगे साहबा ने कहा नहीं फ़ैक तुलू सु ही दाल का तस्करा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल लोगों से कहेगा अगर इस चीज़ को इस बंदे को मैं कत्ल कर दूं मार दूं फिर जिंदा करूँ तुम्हें कोई शक है कहेंगे नहीं फिर वो कत्ल कर देगा दोबारा जिंदा करेगा फ़यकूलू वाहि मा खुन तुफ़ी का शद बसीर उतम अली जिस बंदे के सामने वो ये बात कहेगा वो बंदा फिर उस पर ईमान ले आएगा और कहेगा आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई और नहीं है

कहेगा हाँ फैतमस्तुलू शैफ़ानी फीसूरत अभी ही वम्मी ही दो शैतानों को उसके माँ बाप की शक्ल में ला करके उसके सामने खड़ा कर देगा फैलान और वो दोनों कहेंगे या बुनैया ए मेरे बच्चे इत इसको फॉलो कर लो इसकी बात को मान लो फिन न हो रबू का क्योंकि यही तुम्हारा रब है इतना बड़ा फितना दो शैतानों को उसके माँ बाप की शक इतना पावर अल्लाह ने दिया उसको इतना पावर इतना पावर इब्लीस के पास भी नहीं इतना पावर इबलीस के पास भी नहीं जितना पावर अल्लाह दज्जाल को देगा और वो दो इंसानों को जो बहुत पहले मर चुके हैं उन दोनों को शैतान की शक्ल का बना करके उस दियाती के सामने खड़ा करेगा और वो बाकायदा बोलेंगे कि अए मेरे बच्चे ये तुम्हारा रब है इसकी बात को मान लो ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने मुख्तलिफ चीजें जिक्र की हैं जिससे आप दज्जाल की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं उसके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फितना हम बचेंगे कैसे हम बचेंगे कैसे दज्जाल के फितने से बचने के तरीके क्या हैं नंबर एक अतमसुकबिल इस्लाम इस्लाम को मजबूती से था मेरा ईमान में कमी नहीं आने देना इससे पहले मैंने क्या कहा जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा हर मोमिन बंदा पढ़ लेगा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो किस बुनियाद पे ईमान की बुनियाद अल्लाह ने क्या कहा कि फकद जिसने इस ईमान को थाम लिया उसने मजबूत कड़े को थाम लिया ईमान की वजह से वो बंदा इस फितने के अंदर नहीं पड़ेगा तो इस्लाम को ईमान को मजबूती से थामे रखना दूसरी बात या दूसरा हथियार जिससे हम दज्जाल के फितने से अपने आप को बचा सकते हैं अल्लाह के अस्मा व सिफात के बारे में इल्म रखना शोबदा बाजी, मदारी तमाशा सर्कस और मुजजे करामत में फर्क हुआ करता है कोई अपने हाथों का कमाल दिखा करके आपको बेवकूफ बना जाए ये एक और चीज है इसे शोबदाबाजी कहते हैं इसे हाथों की सफाई कहते हैं इसे मदारी कहते हैं इसे सर्कस कहते हैं लेकिन अल्लाह चांद के दो टुकड़े कर दे इसे मोजा कहा जाता दज्जाल के साथ बहुत सारी चीजें होंगी दज्जाल हुक्म देगा जमीन खजाने निकालेगी आसमान पानी नासिल करेगा दज्जाल हुक्म देगा जमीन के अंदर से गले और अनाज पैदा होंगे ठीक है ये पावर है लेकिन ये वक्ती तौर से इससे कैसे बचेंगे आप जब तक आप अल्लाह को सही से नहीं पहचानेंगे आप दाल के फितने से अपने आप को नहीं बचा सकते और ईमान का तकाजा यह है कि आप अल्लाह को पहचाने इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा फायलम जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं यानी एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि वो अपने अल्लाह का अपने रब का तारुफ हासिल करें जब आप किसी चीज को नहीं जानते सही से जैसे मार्केट में क्या होता है असली से पहले नकली माल आ जाता है मार्केट में क्या है असली ओरिजिनल से पहले डुप्लीकेट आ जाता है कंपनियां असली बनाती हैं और दीगर दूसरे चोर लोग जो है डुप्लीकेट बना लेते हैं और एक आम इंसान नहीं पहचान पाता कि इसमें असली कौन सा है नकली कौन सा है कौन पहचान पाता है जिसके पास तजुर्बा हो जिसके पास इल्म हो जिसके पास सलाहियत हो जो उसके बारे में जानता हो प्रोडक्ट के बारे में जानता हो तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो दज्जाल का मामला है जो अल्लाह को जानेगा वो दज्जाल को नहीं मानेगा लेकिन जो अल्लाह को नहीं जानेगा वो दज्जाल को मानेगा अल्लाह की मारिफत इसीलिए उसूल सलासा उसूल सलासा दीन की तीन बुनियादी चीजें जिनकी मारिफत आपके लिए जरूरी है नंबर एक मर्रबुक नबीयुक मीनुक इसीलिए कब्र में यही तीनों सवाल होगा और भी कोई सवाल हो सकते थे ना कि तुमने कुरान कितना पढ़ा हदीस कितना पढ़ा सीरत कितना पढ़ा और भी कोई सवाल हो सकता था लेकिन तीन बुनियादी चीज़ें इसीलिए सवाल होगा मर रब बुख तुम्हारा रब कौन है और रब को हम पहचानेंगे नहीं तो फिर हम सही तरीके से उसके पावर का भी अंदाज़ा नहीं करेंगे अल्लाह को हमने नहीं पहचाना और दुनिया में जितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं जितने खुराफात पैदा हो रहे हैं किस लिए अल्लाह को ना पहचानने की वजह से अल्लाह को ना पहचानने इसी लिए लोग दरगाहों का मज़ारों का बाबाओं का पाखंडियों का चक्कर लगाते हैं अल्लाह को नहीं पहचाना मां हकरी जैसी कदर अल्लाह की करनी चाहिए वैसी कदर इन्होंने अल्लाह की नहीं की क्यों कदर नहीं की इसलिए अल्लाह को पहचाना ही नहीं अल्लाह को पहचाना ही नहीं एक जगह अल्लाह कहते हैं आसमानो जमीन की तख़लीक का तस्करा करने के बाद यह अल्लाह ने पैदा किया है मुझे दिखाओ कि अल्लाह के अलावा लोगों ने क्या पैदा किया जिनकी तुम इबादत करते हो तो ये अल्लाह आलमीन का तारुफ हासिल करना दज्जाल के फितने से बचने के लिए जरूरी है तीसरी चीज दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगना प्यारे नबी सला में दुआ पढ़ते थे उसमें क्या लफ्ज है ख्याली चीज ख्याली चीज होती है नबी पना मांगते ख्याली चीज़ होती मतलब तसवर, आ, है बना ली गई है जो मुनकरीन हदीस हदीस का जो इनकार करते हैं वो लोग जो कहते हैं ख़याली चीज़ अगर ख़याली चीज़ होती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मांगने की क्या जरूरत थी इतनी ज़्यादा आप उसके ताल्लुक से बातें क्यों बताते इतनी डिटेल्स के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लायानी और फालतू बातें नहीं किया करते थे आप तशहद में ख़ास तौर से ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे जो मुख्तलिफ दुआओं के साथ आप जानते हैं ये तीसरी चीज़ हो गई चौथी चीज क्या है दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरतुल कहफ की तिलावत करना और बतौर खास उसकी शुरू की दस आयतें याद करना और उसको पढ़ना आप वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर कहफ आयातली मिन दाल जो कहफ के शुरू की दस आयतें याद कर ले उसे दज्जाल के फितने से बचा लिया जाए कितने लोगों को याद है पे? आपको, आपको, आपको याद है आपको याद है बस तीन चार पांच लोग हर जुमा को पढ़ना होता है हर जुमा को अगर पढ़े ना तो याद हो जाएगा याद करना चाहिए सुरतुल काफ का अहतमाम करे जुमा के दिन एक जुमा से दूसरी जुमा रोशनी नूर पैदा कर देता अल्लाह उसी की रोशनी में फिर आप जिंदगी गुजारते पूरा हफ्ता चलता पूरे हफ्ते का विटामिन है वो कैफ की जुमा के दिन तिलावत करना और बतौर खास शुरू की दस आयतें याद करना ये दज्जाल के फितने से बचाने का शोर से जरिया है है याद करें और याद होना चाहिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया एक और चीज़ जो दज्जाल के फितने से आपको बचा सकती है और वो क्या है नेक लोगों की सहबत इख्तियार नेक लोगों की सहबत इसलिए कि नेक लोगों की सोहबत का फायदा होता है और आप जब नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे तो नेक लोग बचेंगे तो उनके साथ साथ आपको भी बचा लिया जाएगा लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे लोगों के साथ रहने का अंजाम यह होगा कि वो भी जाएंगे आपको भी लेकर के जाएंगे एक और जरिया जिससे आप इतने दज्जाल से अपने आप को बचा सकते हैं और वो क्या है क्या है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया नहीं वो तो मैं बता चुका हूं जो बता चुका हूं वो नहीं उससे पहले बताया मैंने नहीं दर्जाल वहां भी पहुंचेगा घर में भी जाएगा वो सबके पास पहुंचेगा मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले बस में हो तो मक्का मदीना चले जाओ रहने के लिए ख्वाहिश तो होती है ना तो वहां बस जाओ वहां आबाद हो जाओ वहां नहीं तो मकदिस, लेकिन जज्बाती वाला नहीं फिलिस्तीनियों पर जुलम हो रहा नहीं हम जाएंगे मदद करने के हम जाएंगे हम मुकाबला करेंगे यहूदियों का इसरा जो ये वाला जज्बाती वाला फैसला नहीं बसने के लिए या मस्जिद तूर चले जाओ तूर सीना चले जाइए वहाँ आबाद हो जाइए तो ये बस में है तो ये कर सकते हैं वैसे भी दुआ मांगनी चाहिए हजरत उम्र रदील दुआ मांगते हैं अल्लाह उमर है। अल्ला जुखनी शहादनफी सबेलिक वजायल मऊती रसूलिक क्या दुआ मांगते थे कि मुझे अपने रास्ते में शहादत नसीब फरमा और मुझे तेरे हबीब तेरे नबी के शहर में इंतकाल फरमा और इंतकाल हुआ भी वही मस्जिद नबी में तो बईद नहीं हैदरी नफसम भी अये और किसी को नहीं पता कि कौन कहां मरेगा आप पूरी जिंदगी सत्तर साल यहां रहे हैं बंदा जाता हज उमरा के लिए वहां इंतकाल हो जाता वहां जाता इंतकाल हो जाता तो दज्जाल के फितने से बचने का एक बड़ा रास्ता जो है वो ये कि आप मक्का मदीना में जाकर के आबाद हो जाए ये सारी बातें हमने देख ली अब एक आखिरी बात दज्जाल के हवाले से दज्जाल की हलाकत और उसकी बर्बादी दज्जाल कैसे हलाक होगा और दज्जाल किस तरीके से मारा जाएगा दज्जाल का फितना पूरी दुनिया में फैल चुका होगा पूरी दुनिया में फैल चुका होगा उसका फितना आम हो गया होगा सिवाय चंद थोड़े से मोमिनों के सारे लोग उसके फितने में मुब्तला हो जाएंगे उसको अपना रब मान लेंगे उसको अपना जो है माबूद मान लेंगे व इन इंदा और फिर ये जब माहौल होगा ये हालात होंगे मरियम अली सलात ऐसे आलम में हजरत ईसा सलात का नजूद होगा ईसा सलातम दुनिया में आएंगे अल दिमश नाम का इलाका है उसके मशरक़ी मनारे पर नाजिल होंगे वयल वयल्तफ इबादुल्ला और जैसे ही लोग देखेंगे आएंगे वो दुनिया में महदी का जहूर हो चुका होगा वो लोगों के इमाम होंगे इमामत करेंगे और फिर हजरत ईसा सलात सलाम को इमाम बनाया जाएगा और फिर तमाम मोमिन ईसा सलातम के आस पास इकट्ठे हो, हो जाएंगे जमा हो जाएंगे फ़ैसिरुबिहीम का मसीह इद्दतजाल फिर तमाम लोग ईसा सलाम के साथ मिल के दज्जाल की तरफ जाएंगे दज्जाल की तरफ सफर करेंगे व यकून दाल नज़ूल ईसा नहव बैतुल बैतुलमकद और जिस मौके पर जिस टाइम ईसा सलाम का नजूल होगा उस टाइम दज्जाल बैतुल बैतुलमक़दस की तरफ आ रहा होगा बैतुल बैतुलमक़दस की तरफ आ रहा होगा फैल हकू भी ईसा इंद ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होगी दज्जाल से बाबे लुद के पास जो फलस्तीन का एक इलाका है फलस्तीन का एक इलाका है बैतुलम के करीब फैदा क्या होता है कुछ लोग कमजोरों के सामने ताकतवर बनते हैं लेकिन उनसे बड़ा ताकतवर आ जाता है तो भीगी बिल्ली बन जाती आम लोगों के सामने दज्जाल बड़ा पावरफुल होगा लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल अल्लाह का एक बंदा और मुसलमानों का अमीर जिम्मेदार जो पहले नबी थे अब उम्मती के हैसीत से दोबारा दुनिया के अंदर आएंगे ईसा आलतम से सामना होगा ऐसे पिघल जाएगा कमा कमायद फिल्म जैसे नमक पानी के अंदर पिघल जाया करता फैलूस ईसा उससे कहेंगे इन फ़ीक़ और उससे हजरत ईसा सलातम बातचीत करेंगे फ़ैत फ़याक़ तुलू बेहरबती ही ईसा आलातम उसका सामना करेंगे और फिर उसको अपने नेज़े से अपने खंजर से हथियार से कत्ल कर देंगे वन हजम इतबा फ़ैत तब उमोमिन और ईसा आलसलाम के इस कत्ल के बाद तमाम दज्जाल को फॉलो करने वाले भागेंगे मोमिन उनका पीछा करेंगे फयाक़ और उनका कत्ल करेंगे हत्ता और बचने के लिए कहाँ छुपेंगे दरख्त के पीछे पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर वो दरख्त पुकारेगा या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादा यहूदी खल्फ़ी कहेगा ए मुस्लिम अल्लाह के बंदे ये यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है ताल फख्तलूहू इधर आओ और इसको कत्ल कर दो अल गरक़द सिवाय गरक़द नाम के पेड़ के क्यों फ़इन्नहु मिन शजरिल यहूद क्योंकि गरकद ये यहूदियों का पेड़ है गरकत यहूदियों जैसे हमारे यहाँ मुल्क में बास पेड़ होते हैं किसी ख़ास मजहब वालों के होते हैं पीपल का पेड़ है बास दीगर और दूसरे पेड़ है बरगद का पेड़ है और दीगर पेड़ है ऐसे गरकत का पेड़ जो यहूदियों का पेड़ है तो उसके पीछे अगर कोई यहूदी छुप जाएगा तो वो नहीं बताएगा लेकिन उसके अलावा जितने पेड़ जितने पत्थर होंगे वो सारे पेड़ और वो सारे पत्थर गवाही देंगे और कहेंगे कि यहाँ आओ हमारे पीछे यहूदी छुपा हुआ है इसको कत्ल कर दो इस हवाले से सही मुस्लिम और सुनन तिरमिजी मुस्ंद अहमद वगैरह के अंदर तफसली हादीस हैं कि प्यारे नबी सही है, है दरख्त और पत्थर पुकारेंगे के अल्लाह की रूह अल्लाह की रूह कौन ईसा आलिस तो क्यों कहा जाता है अल्लाह की रूह कोई कैसे हो सकता अल्लाह की रूह है अल्लाह के खास हुक्म से जबरील अमीन आलम ने फूंक मारा था मरियम आलम के गिरेबान में जिससे वो हमल से हो गई थी इसीलिए उनको क्या कहा जाता है रोहल्ला इसीलिए कलीमतुल्ला भी कहा जाता है क्यों अल्लाह के खुसूसी ऑर्डर के ज़रिए पैदा हुए खुसूसी ऑर्डर के ज़रिए तो वो पेड़ वो पत्थर कहेगा ए अल्लाह की रूह या रूह अल्लाह रोहल्ला यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है फला फलायत अहदन इल्ला का तो हजरत ईसा सलाम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो भी दज्जाल का फॉलोअर होगा उनमें से हर एक को कत्ल कर देंगे इसी को अल्लाह ने कुरान में कहा है वह अमिन नबी ही क़ब् मऊथी या तो लोग ईमान ले आएंगे ईसा सलातम के हाथ पर या तो कत्ल किए जाएंगे दोनों में से एक चीज़ होगा और ये वो दौर होगा फिर कि इस्लाम का गलबा होगा मुसलमानों का गलबा होगा और उस वक्त सिर्फ़ मुसलमान दुनिया के अंदर होंगे यहूदियों को चुन चुन कर मुसलमान मारेंगे जो ईसा आललातूसलम के साथ होंगे और दज्जाल के कत्ल होते साथ ही एक बड़ा फितना दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और मुसलमान और ईसा आसल्लाम के साथ रहने वाले लोग चैन की सांस लेंगे तो ये दज्जाल के फितने के तल्ल से चंद अहम चीज़ें इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है हम और आपको चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को हम अपने घरों में भी जिक्र करें बच्चों को बताएं तारुफ़ हासिल करें इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ क्या है ये चीज़ क्या है वरना दुनिया की खुराफात या गूगल या इस तरह की चीज़ें वीडियोज़ वग़ैरह ये बच्चों के जहन में ये बात डाल देती हैं कि हाँ यलाँ चीज़ ये दज्जाल है फ़लाँ चीज़ ये दज्जाल है फ़लाँ चीज़ ये दज्जाल है, 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 है। मुनकिन हदीस का फितना मौजूद है हदीस का इनकार करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ नामों से वो बयान करते फिरते हैं तो इससे पहले कि बच्चों के जहन में दूसरी चीज़ें आएँ आप ये सच्चाई ये हकीकतें कुरान वदीस की रोशनी में उनके ज़ेहन दिमाग तक पहुँचाने की कोशिश करें अल्लाहबालमीन हम सभी को छोटे बड़े तमाम तरह के फ़ितों से दूर रहने की तोफ़ी ख़तः फ़रमाएँ अल्लाह हम सब की हर तरह के फ़ितनों से खुसूसी हिफाजत फरमाए अल्लाह आलमीन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए अपने ईमान और अकीदे की असलाह करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमें नेकियां करने की तौफीक दे बुराइयों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह आलमीन हमारे दरमियान जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिलत फरमाए जो किसी तरह की मुसीबत में मुब्तला हैं अल्लाह उन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करे जब तक अल्लाह दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे खातिमा हो तो ख़ातिमा खैर हो وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान